चलिए, मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह के ब्रेकफास्ट में चाय रोटी नहीं है, आज सब्जी रोटी और खीर है। कल खीर बनाई थी, वो तो भरा पड़ा ही है क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ। जो मैं नहीं खाती हूँ ना, वो भरा पड़ा ही रहते हैं। सुबह सुबह मुन के पापा के लिए सब्जी रोटी और खीर दे के आई हूँ। उसके बाद मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज लंच में वेज बनेगा क्योंकि मंडे को हम वेज खाते हैं। आलू को फ्राई करने के बाद ये जो पनीर है इसको भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि आलू और पनीर के साथ में मटर की सब्जी बनाऊँगी, जो व्हाइट कलर का मटर रहते हैं ना, जिसमें रगड़ा बोलते हैं, उसके सब्जी। तेल में जीरा छौंक लगा के और तेजपत्ता छौंक लगा के सिर्फ प्याज लहसुन के बिना मैं आज सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि वेज बनाऊँगी। इसी वजह से प्याज लहसुन के बिना सब कुछ डालूँगी, जीरा अदरक ग्रीन चिली तेज मतलब और गरम मसाला सब कुछ। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये भी बनाऊँगी और बनाऊँगी वेज दाल। वेज दाल में भी सेम, सिर्फ वेज जो मटर गोभी टमाटर आलू ये डाल के ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में आज क्या बोलते हैं उसको, कैरेट और बीन्स रहते हैं ना, वो नहीं है। तो कैरेट और बीन्स नहीं है, तो मैं जो जो चीज़ था उससे ही बना लूँगी आज। इधर तो मसाला फ्राई होते जाएगा, तब तक मैं कोई और काम जो रहते हैं ना वो कर लेती हूँ। उसके बाद ये जो मसाला है ना, थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा करके ऑयल डाली हूँ, मटर जाएगा इसी वजह से। आलू और पनीर डाल के अभी अच्छे से फ्राई करके फिर मटर का जो बॉईल करके रखी थी वो डाल दूँगी। लास्ट में निकालने से पहले मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता गरम मसाला डाल के निकाल लूँगी, बस सिंपल सा है। उधर मटर की सब्जी तो हो गया है, अभी वेज दाल जो सब्जी था उसको पहले फ्राई कर लूँगी। उसके बाद तेल में 5 फोड़न तेजपत्ता सूखा मिर्च छौंक लगा के मसाला में सिर्फ अदरक और जीरा का पेस्ट डालूँगी और टमाटर डालूँगी थोड़ा सा। फिर फ्राई करने के बाद सब्जी डाल के और अच्छे से इसको फ्राई मतलब भूंजना है, जिससे कि मसाला निकल जाए। उसके बाद इसमें दाल डाल देंगे, फिर नमक हल्दी और थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो, घी और गरम मसाला डाल के बस निकाल लेंगे। अगर आज वेज का दिन नहीं होता तो प्याज लहसुन भी डालते तो अच्छा लगते थे वेज दाल में, पर हमारे में बंगाली में ज़्यादातर वेज दाल वेज ही बनाते हैं, मतलब कि इसमें प्याज लहसुन नहीं डालते हैं। तो इसी वजह से मैं भी आज उसी तरह से मतलब उसी तरीके से बनाई हूँ। और ये जो था ना, ये था कुछ मूंग का दाल था, तो मूंग का दाल से ही बनते हैं ज़्यादातर। शाम के टाइम हो रहा है, आज मुझे बहुत ज़्यादा चाट खाने का मन कर रहा था, तो मैं आलू के चाट बना रही हूँ। ये कोरिएंडर का जो लिप्स है ना वो डाली हूँ, आलू डाली हूँ, क्यूकम्बर टमाटर सब कुछ डाल के, थोड़ा सा चना डालना लास्ट में मैं भूल गई थी, थोड़ा सा जलजीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा क्या बोलते उसको ब्लैक पेपर भाजा मसाला, मतलब कि जो जीरा धनिया और क्या बोलते उसको जीरा धनिया और ये सूखा मिर्च का पेस्ट और थोड़ा सा ये क्या है, अच्छा मैं खुद ही भूल गई, देखो ये क्या, इसका पानी किसका बोलते इसको, अरे इसको बंगाली में तेतुल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, मैं भूल गई उसको, इमली का पानी और थोड़ा सा सॉस डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं चना डालना भूल गई थी, चना डाल के फिर आप लोगों को दिखा रही थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगते हैं, उनके पापा नहीं खाते, फिर भी थोड़ा सा रखूँगी चखने के लिए और थोड़ा सा खा लेगा, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं। तो चलो, बहुत ही आराम से सोफे के ऊपर बैठ के एक मूवी देख रही थी और तो मतलब मेरा जो आलू कबड़ी था वो एंजॉय कर रही थी। आज पूरा दिन ठीक ठाक से ब्लॉग ही नहीं बना पाई, बस आप लोगों को कुछ लंच का प्रिपरेशन किया जो बनाई वो दिखाई, शाम को क्या क्या वो दिखाई। अभी रात के टाइम हो गया, रात के 9:30 बजे है, मून सोने के लिए आई है। उसको खुद से ज़्यादा अपना जो डॉल है उसका फिक्र रहते है। देखो आज वो उसके पापा का टी शर्ट पहन के नहीं सोया, उसके पापा का टी शर्ट पहन के ही उसको नींद आती है, क्योंकि वो अकेली अकेली मतलब अकेली अकेली नहीं सोती है, अभी वो खुद से सो जाती है, बाद में जब मेरा काम हो जाता है तब मैं आके सो जाती हूँ।
और अभी वो सोच रहा था कुछ तो नहीं पहना, तो उसके पापा का टी शर्ट नहीं पहना था, उसके पापा का टी शर्ट पहना, उसके बाद उसको नींद आई है। तो चलो अभी के लिए इतना ही, फिर कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। मून सो जाती है, उसके बाद आधा घंटा बाद मैं आके सो जाऊँगी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है सुबह के बज रहे 9। अभी कल का जो ब्लॉग मैं शूट किया था वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, तो इसीलिए आज सुबह से ही मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों को लगेगा घर में इतना धुआं धुआं क्यों है, आज मैं भगवान को धूप लगाई हूँ इसी वजह से इतना धुआं धुआं, पर मुझे पसंद है, अच्छा लगता है सुबह सुबह ऐसे धुआं देना। इधर कपूर भी लगाई थी, धुआं के साथ कपूर का जो स्मेल ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग कभी लगाया नहीं तो एक बार लगा के देखना, धूप भी इधर जलाना कपूर भी लगाना, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आते हैं घर से। उनके पापा सुबह सुबह ही चले गए हैं, इसको इग्नोर करना, ये एक्चुअली गामछा है हमारा। हमारे में कहते हैं कहावत है कि इसको बाहर देंगे सुखाने के लिए तो फिर हमारा शरीर सूख जाएगा। और इधर घर में पूरा धुआं धुआं है, पर खिड़की नहीं खोला है क्योंकि धूल बहुत आते हैं। और नहाना हो गया, मून के पापा सुबह चले गए, मून स्कूल चले गए, बेडरूम भी साफ है। उधर मून का एक टॉप है वो धोना भूल गई थी तो बाहर ही रख दी हूँ, कल धो लूँगी। और अभी बर्तन वगैरह सब कुछ धोया हुआ है सुबह का, ये मैं मेरे लिए बनाई हूँ एक कप ब्लैक टी। और आज लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये है क्या है, ये गंदा पानी है एक्चुअली, इसमें वेजिटेबल्स धोया था मैंने। और ये एक बॉयल करके रखी हूँ। और इधर है वो जो स्प्रिंग अनियन बोलते हैं ना, प्याज कोली बोलते हैं हम इसको, ये इसको फ्राई करूँगी। और ये है एक करी बनाने के लिए, और मसाला तो फ्रिज में है। मेरे लिए चाय ठंडा हो रहा है, पी लूँगी, पहले आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है गर्म पानी एक्चुअली, क्या मेरे लिए चाय ठंडा हो रहा है, पी लूँगी, पहले आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है गर्म पानी एक्चुअली, क्या होते हैं कि पानी भरने से मतलब कंटाला आके ना गर्म पानी करके फ्लैक्स में भरना बिल्कुल कुछ दिन से भूल गई थी। अभी कुछ दिन से ठंडा पड़ा है, मुन को खांसी भी हुआ है, सुबह सुबह गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके देना अच्छा होते हैं, और सुबह शाम को, तो इसीलिए पूरा एकदम गर्म पानी नहीं पीते, हल्का हल्का देती हूँ शाम को और सुबह को। तो फ्लैक्स धो के रखी हूँ, इधर पानी गर्म करने के लिए रखी हूँ। और इधर जो है आज आरो भरा था, ऐसे आरो तो 2 से 3 लीटर तक ही भरता है, पर आज पानी अच्छा आया था इसलिए 8 लीटर तक भर गया है आरो। और ये है कॉलीफ्लावर और आलू विथ ग्रीन चिली और थोड़ा सा कलौंजी छौंक लगा के, इसको बस फ्राई कर रही हूँ नमक और हल्दी डाल के। इसमें प्याज भी डाल सकती थी पर नहीं डाली हूँ मैं, इसको धीमी आँच पर फ्राई कर। अच्छा, आप में से कोई मुझे पूछा था कि मैं जो फ्रीज में कंटेनर यूज़ करती हूँ वेजिटेबल्स और फ्रूट स्टोरेज के लिए, उसका लिंक देने के लिए, तो मैं मीशो से लिया हूँ उसको। मीशो में लिंक होता कि नहीं पता नहीं, अगर मुझे मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी देने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद खाना भी बन गया है मेरा, अभी जो है लंच जो बना रही थी वो सब बन गया है। अभी मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ, बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गया है। फ्लोर में कैसे थोड़ा बहुत गंदगी गिरा हुआ रहते हैं ना, वेजिटेबल्स का वो ये सब कुछ थोड़ा सा मॉप से साफ कर लूँगी ना, सिर्फ किचन को ही कर लेती हूँ, पूरे घर में तो अभी कोई नहीं है कि साफ करने की ज़रूरत पड़े। इसके बाद मुझे जल्दी रेडी होना है मून को लाने के लिए, बस और कोई काम नहीं है। और आज मैं ये वाला एक कुर्ती पहनी हूँ, ये मैंने ना बनाई थी, मैं खुद की मतलब बोला था डिज़ाइन, फिर ऐसे करके बनाई थी, जीन्स के साथ पहनने के लिए ही बनाई थी एक्चुअली। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, ये ना मतलब जो लोग थोड़ा डार्क है ना उनके ऊपर बहुत अच्छा लगते हैं, तो मुझे फुल स्लीव वाला ब्लाउज़ बोलो, कुर्ती बोलो, अनारकली बोलो, बहुत अच्छा लगते हैं। बस वो फिटिंग्स होना चाहिए, हाँ फिटिंग्स नहीं होगा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। कमेंट में बताना हाँ कैसे लगते हैं। मैं इसके साथ दुपट्टा कैरी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इसको कुर्ती के हिसाब से ही बनाई थी, इसीलिए नहीं करती हूँ कैरी में। और थोड़ा सा छोटा सा एकदम जो दिख भी नहीं रहा है, एक बिंदी लगाई हूँ बस, ऐसा सज धज के मैं नहीं जाती हूँ मुन को लाने के लिए, कभी कभार अच्छा लगते है खुद। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ पर अभी भी आधा घंटा टाइप का बाकी है, मतलब आधा घंटा टाइम बाकी है, तो आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो एक करी पतला पतला क्या है, और ये है स्प्रिंग अनियन, ये है कल का वेजिटेबल बचा कुचा ही रहते, ये तो मटर की सब्जी, और इधर है वही गोभी और आलू फ्राई, बस यही है। सारे काम कंप्लीट करके मून को लाने के लिए जाने का एक खुशी अलग है, मैं सारे काम कंप्लीट करके ही जाती हूँ। अभी भी आधा घंटा बाकी था, मैं हाँ वीडियो को एडिटिंग करके फिर निकल रही हूँ अभी, और अभी बस रेडी हूँ। और ये एक बैग कैरी करना ही पड़ता है, हाथ में चाबी और फिर पैसा वगैरह लेने से ना बार बार गिर जाते हैं, कहाँ गिरते हैं पता नहीं चलता, इसी वजह से एक
मतलब छोटा सा एक बैग करी कर लेती हूँ बस। अभी टाइम हो गया है 11 बजने की, बस 10 मिनट ही बाकी है, मैं निकल जाती हूँ उनको लाने के लिए। बाय बाय, फिर मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ।